नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल पान के वीडियो पर आने के लिए गाइस। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं आपको लगातार यहाँ अपडेट दे रहा हूँ 10th एंड 12th एंड ग्रेजुएशन एंड एनी थिंग्स रेलवे ग्रुप डी। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, आपको यहाँ लगातार अपडेट मिलती रहेगी। और दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ CBSE की बोर्ड परीक्षा फरवरी के अंत में होगा शुरू। अभी क्या खबर है, कैसे क्या होगी और कौन कौन सी चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेगी, उस सभी के बारे में आप नॉलेज देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आगे आपको बहुत सब समझ में आएगी। तो देख लीजिए गाइज, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं एवं 12वीं के बोर्ड एग्जाम की तिथि में बदलाव करने जा रहा है। इस बार बोर्ड एग्जाम फरवरी के अंतिम में ही शुरू होगा और फरवरी अंतिम सप्ताह में सबसे पहले आपको वोकेशनल विषयों की परीक्षा होगी, ठीक है, जो वोकेशनल विषय है उसमें, और मार्च के पहले सप्ताह में मुख्य विषयों की परीक्षा ली जाएगी। अब बोर्ड जल्द ही परीक्षा की तिथि जारी करेगा और CBSE के माने तो 2019 में 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम में वोकेशनल के सारे विषयों की परीक्षा पहले ली जाएगी, क्योंकि वोकेशनल में कम छात्र होते हैं, बता दूं मैं। और ज्ञात हो कि पहले मुख्य विषयों की परीक्षा के बीच में ही वोकेशनल विषयों की परीक्षा भी होती थी, इस कारण परीक्षा अप्रैल अंतिम में जाकर समाप्त हो जाती थी और वोकेशनल विषयों की परीक्षा फरवरी में होने से मार्च के अंतिम सप्ताह में एग्जाम खत्म हो जाएगी। इससे मूल्यांकन जल्द हो पाएगा और रिजल्ट जल्दी जारी हो जाएगी। बोर्ड ने यह बदलाव दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ दूसरे विश्वविद्यालयों को देखकर किया है, क्योंकि दोस्तों दूसरे विश्वविद्यालय में इसी तरह का एग्जाम होती है। अगले साल से CBSE में गणित के दो पेपर होंगे। मैं बता दूं, मैंने वीडियो एक बार बना दी है कि गणित के पेपर दो पेपर होने वाले हैं। अगर मेरी वीडियो नहीं देखनी है आपको, अगर आपको देखी नहीं है जाकर देख लीजिए, आपको लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में गणित के दो पेपर वाली, वो वीडियो आप पक्का देख लीजिए, समझ में आ जाएगी। दोस्तों, गणित को लेकर चिंतित रहने वाले विद्यार्थी जो है सो CBSE के 10वीं कक्षा के छात्रों को इस साल से बड़ी राहत मिली है। इस साल से गणित का सरल एवं कठिन दो पेपर लिया जाएगा, पहले कठिन वाला, पहले सरल वाला, उसके बाद दोस्तों सरल और कठिन वाला। मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है, आप जाकर देख लीजिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। और जल्द जारी होगी परीक्षा तिथि, और परीक्षा तिथि बहुत जल्द जारी होने वाली है। दोस्तों, ये थी अभी तक खबर, जो आपको अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और जब भी स्क्रूटिंग आएगी CBSE वालों की तो मैं आपको डाल दूंगा सबसे पहले। चलिए फिर मिलेंगे, बाय। अब मैंने बिहार बोर्ड के भी बता दिया रूटिंग के बारे में, वो भी आपको नीचे मिल जाएगी, जो बिहार बोर्ड वाले हैं चाहे डिस्क्रिप्शन में, वो भी लिंक ले लीजिए आप लोग। चलिए फिर मिलेंगे, बाय, गुड बाय। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं।